कभी आपके मोबाइल पर किसी के द्वारा लक्की ड्रॉ में बम्पर प्राइज मिलने की सूचना आती है तो सावधान हो जाइए। अगर आपने सही से जांच पड़ताल नहीं किया है तो ठगे जा सकते हैं। एक ताजा मामला दरभंगा के डिप्टी मैनेजर सुवादीप गांगली ऐसे ही एक गिरोह में झांसे में आकर करीब 13,000 रुपए गवा चुके हैं। धनबाद पुलिस के द्वारा उक्त कांड के उद्भेदन में एक बड़ा खुलासा हुआ है। गांगली को झांसा देकर ठगी करने वाले सातिर गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में देवघर निवासी मोहम्मद मुस्तकीन अंसारी, दुमका निवासी मुकेश पुजहर तथा फिरोज अंसारी शामिल हैं। मुस्तकीन को देवघर तथा अन्य दोनों को दुमका से गिरफ्तार किया गया है। सोमवार को SSP मनोज रतन चौथे ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उक्त जानकारी देते हुए बताया कि मुस्तकीन गिरोह के मुख्य सरगना है, जिसके देखरेख में गिरोह संचालित होता है। पुलिस के मुताबिक 2 नवंबर 2017 को साइबर थाने में गांगली के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। गांगली दरभंगा में बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्टी मैनेजर के पद पर हैं। त्रास थाना अंतर्गत एक साइबर क्राइम से संबंधित मामला दर्ज किया गया था अप्रैल माह में, जिसमें कि वादी के खाते से अवैध रूप से मोबाइल फोन करके उनसे OTP प्राप्त किया गया और उनके खाते से 50,000 रुपये की निकासी की गई थी। इस कांड के संबंध में हम लोगों ने अनुसंधान किया और वादी के परिवार से भी हमें सहयोग मिला। उन लोगों जिस नंबर से उनको फ़ोन आया था उस नंबर पे वो लोग भी बार बार फ़ोन करते रहे और अचानक फिर इस महीने वो नंबर ऑन मिला। फिर उस नंबर पे हम लोगों ने सर्विलेंस शुरू किया। उसके आधार पे और उस नंबर ने जितने लोगों से बात की थी उस पर हम लोगों ने वर्कआउट किया। उसके आधार पर एक रंजीत मंडल नाम के लड़के को हम लोगों ने कतरास बाज़ार से उठाया। उससे बातचीत करने पे उसने अपने सहयोगी का नाम बताया और उसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने कर्माटांड जिला जामताड़ा से की। अतुल मंडल नामक लड़का है वो, जो कि इस कांड का मुख्य अभियुक्त है। उसके पास से इस जो FIR में जो नंबर यूज़ किया गया था, जिसके द्वारा फ़ोन करके वादी के खाते से पैसे की अवैध निकासी की गई थी, वो मोबाइल नंबर और वो मोबाइल भी बरामद किया गया है। साथ ही वादी के खाते से जो पैसा जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ था उसका भी सारा डिटेल उसके पास से पाया गया है। कुल मिलाकर इन दोनों के पास से 4 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं और एक आधार कार्ड और एक बैंक का पास, 2 बैंक ATM। और ओवरऑल कतरास पुलिस की काफ़ी अच्छी सफलता रही, जिसमें हम लोगों ने लगातार इस कांड के अनुसंधान में कार्यरत रहे और दोनों अभियुक्त की गिरफ्तारी से सफलता प्राप्त।